हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोनी वेगास प्रो 9.0 के अंदर ये बताऊंगा कि फाइनल आउटपुट मूवी कैसे क्रिएट करते हैं। जब मेरा एडिटिंग मिक्सिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम फाइनल आउटपुट वीडियो को कैसे तैयार करेंगे और कैसे उसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे मूवी फाइल क्रिएट करेंगे एडिटिंग मिक्सिंग हो जाने के बाद सोनी वेगास प्रो 9.0 के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो है मेरा, एडिटिंग मिक्सिंग हो चुका है। तो अब इसे क्या करना है, हमें मूवी क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करें, फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद यहाँ एक नीचे आएँ, यहाँ पे देखें रेंडर एज पे क्लिक करें। जैसे ही रेंडर एज पे क्लिक करेंगे हम, एक रेंडर एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखें सेव इन, जिस ड्राइव में आप अपना मूवी क्रिएट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ चूज़ किया डेस्कटॉप। उसके बाद ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें फाइल नेम, एक नेम देना पड़ता है, तो मैंने टाइप किया फाइनल आउटपुट यूटीपुट मैंने नेम दिया फाइनल आउटपुट। कहाँ मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ मैं तैयार कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के अंदर, तो मैंने नाम दिया फाइल नेम दिया फाइनल आउटपुट। यहाँ पे देखें सेव एज टाइप, किस टाइप का आपको मूवी क्रिएट करना है यहाँ से चूज़ करना होता है, तो मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें विंडो मीडिया ऑडियो में अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे, क्विक टाइम के अंदर क्रिएट करना है तो क्विक टाइम में आप मूवी बना सकते हैं। यहाँ पे एमपेक 2 है, एमपेक 1 है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया वीडियो फॉर विंडोज़ AVI। करने के बाद सेव बटन है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे ही सेव एज पे क्लिक करूँगा, मेरा रेंडरिंग स्टार्ट हो गया, ये मेरा फाइल रेंडर हो रहा है। ये देखिए 100% मेरा रेंडर हो गया। हो जाने के बाद नीचे देखें तीन ऑप्शंस हैं, ओपन ओपन फोल्डर, ये मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक किया। ये मेरा, ये आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल आउटपुट वीडियो मेरा तैयार हो गया, ये देखिए। अब हमें देखना है कि मैंने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट किया था वहाँ पहुँचा है कि नहीं, ये देखें हमें देखना होगा। तो ये मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। उसके बाद ये वेगास प्रो का भी ये विंडो को मैं मिनिमाइज़ कर दिया, और डेस्कटॉप पे जब मैं वापस आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल आउटपुट वीडियो मेरा तैयार हो गया। इसे मैं ज़रा प्ले करके देखता हूँ। इसे मैं राइट क्लिक किया, इसे प्ले, ये मेरा वीडियो आपने देखा कैसे मैंने एक्सपोर्ट किया, कैसे मैंने अपना मूवी क्रिएट किया सोनी वेगास के अंदर और कैसे एक्सपोर्ट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सोनी वेगास प्रो के अंदर कैसे मूवी एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे फाइनल आउटपुट मूवी क्रिएट करते हैं। सिंपल है, फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। फाइल में जाएंगे, उसके बाद रेंडर एज पे क्लिक करेंगे, और रेंडर एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे रेंडर एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिस ड्राइव में आपको सेव करना है यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद एक फाइल नेम दे, मैंने फिर से एक दे दिया मैंने नेम। उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप आप चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। रेंडरिंग हो जाने के बाद आप इसे ओपन फोल्डर पर क्लिक करें, और आप देख सकते हैं वो वीडियो क्रिएट हो गया। ये देखिए, ये मेरा वीडियो क्रिएट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम मूवी क्रिएट करते हैं सोनी वेगास प्रो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।